नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की कि किस प्रकार से आपको इसको मंडे के दिन ट्रेड करना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको इसको 8 तारीख सोमवार को किस प्रकार से बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो आज हमारा बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है वो लगभग 36 पॉइंट गिरावट की तरफ क्लोज हुआ है और हमारा निफ्टी 52 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल हमारा बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गिरा था लेकिन वापस से रिकवर किया है, और निफ्टी 50 भी नीचे की तरफ गिरा था लेकिन वापस से रिकवर किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी में किस प्रकार से ट्रेड करना चाहिए आपको मंडे के दिन, और अगले हफ्ते में किस प्रकार से हमारा बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। तो ज़रूर एंड तक देखिए वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अभी हमने जो चार्ट खोला हुआ है, ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट खोला हुआ है हमने, इसमें आप देख पा रहे होंगे हमारा जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी हमारा डेली एक अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ गया है। आप देख पा रहे होंगे इधर पे ऐसा एक अप ट्रेंड फॉलो हो रहा है इसमें, और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए हमारा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया है। जब जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमारा बैंक निफ्टी आता है तब तब इसमें बायर्स एक्टिव होते हैं और यह ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम करती है, और अभी भी एक भी बार इसने हमारी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है और हमारा मार्केट कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। आप इधर पर देख पा रहे होंगे, तो यह ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह हमारे बैंक निफ्टी में काम कर रही है। लगभग इसने 3 बार इस लेवल को टच किया है और इसी ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू हमारा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ फॉलो करते हुए जा रहा है। जब हमारा बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा जो ऑल टाइम हाई लगाया है इसने, तब हमें वापस से ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम करता हुआ बैंक निफ्टी दिखेगा। बाकी अभी हमारे लिए यही एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है हमारा बैंक निफ्टी, तब तक हमें कोई मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन में नहीं देखने को मिलेगा। तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल है, यही ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है और ऊपर की तरफ 48,650 के आसपास का लेवल, यह लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे बैंक निफ्टी में। जब तक इसको ब्रेक करके हमारा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं निकलता और जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हमारा बैंक निफ्टी नीचे की तरफ नहीं निकलता, तब तक हमें कोई मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन में ना नीचे की डायरेक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको यह नज़र में रखना है, अगर हमारा बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेड करता है तो यह लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ऊपर की तरफ अगर देखें जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है हमारा बैंक निफ्टी, तब तक यह लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह हमारे लिए देखने को मिलेगा। और अगर मंडे के दिन हमारा मार्केट इस लेवल के नीचे की तरफ कहीं पे ओपन हो तो आप प्राइजेक्शन को देखते हुए ही ट्रेड करें और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़रूर ध्यान में रखें। एक बार फिर देख लेते हैं, ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ऑल टाइम हाई है। जैसा कि हम आपको बता पा रहे होंगे कि जो 48,660 का लेवल है, यह लेवल एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट लेवल है। यह ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है, तो यह इस पर आप नज़र रखिए। अगर हमारा बैंक निफ्टी इसी लेवल के ऊपर की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट करता है तब हमें वापस से ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर हमारा बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमें नीचे की तरफ एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस प्रकार से आपने डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखा होगा। अब हम देखते हैं इसी चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको मंडे को इसको ट्रेड करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जब स्टैंड लाइन को ब्रेक करके अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ निकलता है तब आपको नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा, और अगर ऊपर की तरफ निकलता है इसके तो आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब हम देखते हैं निफ्टी 50 को किस प्रकार से आपको ट्रेड करना चाहिए मंडे के दिन। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा जो निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई है वो 21,840 का लेवल है। जब तक हमारा निफ्टी 50 इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं निकलता है तब तक हमें कोई मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन में निफ्टी 50 में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर नीचे की तरफ से आप देखें तो कुछ इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई दिख रही है हमें निफ्टी 50 में। जब जब हमारा निफ्टी 50 इस लेवल के आसपास आता है तब तब इसमें बायर्स एक्टिव होते हैं और हमारे निफ्टी 50 को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं।
जब तक यह ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक हमें कोई नीचे की तरफ ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा, और जब तक हमारा निफ्टी 50 ऊपर की तरफ नहीं निकलता है इस रेजिस्टेंस लेवल के, तब तक हमें कोई ऊपर की तरफ मोमेंटम होते हुए नहीं दिखेगा। तो आप इस ट्रेंड लाइन को ज़रूर ध्यान में रखें, और मंडे को जब ट्रेड करें तो यह लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और कुछ इस प्रकार से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस लेवल है जो हमारा वो ऑल टाइम हाई है, जो कि लेवल है 21,840 के आसपास इसका लेवल है। जब तक हमारा निफ्टी 50 ऊपर की तरफ या फिर इसके नीचे की तरफ ट्रेड नहीं करता है तब तक हमें कोई मोमेंटम अच्छी तरह से नहीं मिलने वाला है, और यह लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और यह लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो मंडे को किस प्रकार से आपको इसको ट्रेड करना चाहिए इसको भी हम देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा जो चार्ट खुला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर खुला हुआ है हमने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इधर पे कि हमारा निफ्टी 50 है जो इस लेवल के आसपास ऊपर की तरफ गया था लेकिन वापस से नीचे की तरफ आया है, और यह ट्रेंड लाइन एक नीचे की तरफ से सपोर्ट की तरह काम कर रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है तो हमें नीचे की तरफ एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो आप इसको प्रोजेक्शन फॉलो करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन फॉर्म करते हुए मार्केट निकलता है तब आप इसमें ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और नीचे की तरफ निकलता है तो आप नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।